बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसी पे वेंदे जे इस टाइम जवानी 1947 ये प्रोग्राम तारीख ते और हिजरत ते मबनी है जिदे विच असी पिंडां दी आबादकारी और जिहड़े लोग साडे वड्डे बजुर्ग सन 47 दे अंदर या कह लो उस तो पहला सियालकोट तो या हिंदुस्तान तो हिजरत करके इस इलाके च आ के वसे ने उन्हां दी गल्लां बातां असी करने आ। अज मैं मौजूद हाँ पिंड वड्डा कोटला यानी कि कोटला कलां उहदे विच बैठ के मेरे नाल बुजुर्ग बैठे हुए ने जिन्हां नाल असी उन्हां दी हिजरत दी गल भी करांगे और इस पिंड दे बारे च भी गल करांगे। मेरे नाल दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने हाजी अब्दुल गफूर साहब और मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब। उन्हां नाल असी गल्लां पता करके तुहानूं दसणा मैं चाहुंदे हाँ कि इस मुल्क नूं जिहदे च असी अज आज़ादी दा जशन मनाने हाँ इह सानूं किवें मिलिया सी और इहदे अंदर किहड़े किहड़े ऐसे मामलात होए सन किहड़ी किहड़ियां मुश्किलात दा सामना करना पिया सी फिर जाके सानू ये आजाद मुल्क मिलिया। तो पहला गल करने जी हाजी साहब ना हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहला तो जी बड़ा शुक्रिया कि तुसी सानू टाइम दिता वे ताकि असी तुहाडे कोल तुहाडी जिहड़ी जिंदगी दे तजुर्बात ने जिहड़े मुश्किलात ने जिहड़े तुसी बचपन दे विच जिहड़ा खेडण दा टाइम सी तुसी उस टाइम ही जंगी माहौल वेख्या तो असीं तुहाडे कोल पुछना चाहुंदे हैगे जी कि वह जदों तुसी वाकया जां वक्त याद करदे जे तो उदों तुहानू की याद आंदा उस वक्त दा? उस वक्त दा सानू इह याद रहिंदा सानू पिछा याद आ जांदा जो पिछा याद आता फिर सानू नक्शा सारा ही असर खग दे आ जाता भी असं इतने रेंदे सड़ा माहौल सी इस तरह अं खेडते सहर से खेडते साढ़े लागू नहर वगती सी इस तरह जिस तरह बाजार है सही कहड़ा पिंड सी पिछे तुहाडा? वैसे पिंड नासरके तहसील बटाला तो जिला गुरदासपुर। गुरदासपुर तो हाँ ठाणा फतेहगढ़। अच्छा अच्छा तो उदों तुहाडी उम्र किन्नी सी जदों तुसीं पाकिस्तान आए हो? जदों असीं पाकिस्तान च आए हाँ उदों मेरी उम्र 13-13.5 साल की होएगी। अच्छा हाँ तो नाल तुहाडे कौन कौन जी आए सन? है तुहाडे नाल जी कौन कौन सन वड्डे घर दे फैमिली दे? घर दे वड्डे जिहड़े ने वह एक माई चंदो सी। अच्छा तो एक साडी भैण सी उहनां नूं जीरा सी एक मैं सां एक मेथों वड्डा सी ते एक साडा छो ताए का पुत मजीद से ये असं पांच जी आए स। अच्छा पाकिस्तान में सही क्योंकि बाकी साढ़े जी जड़े से वह बटाले कैप में से लाहौरों बंदा साडा एक हैगा फौज में वो ट्रक लैके गया लैन वास्ते। अच्छा तो वह फौजी आदमी से हूँ ट्रक नारकली घलिया तो उन्होंने फटरा का ट्रक भर के घल दिता वो जरा खड़िया से वो गया सानू छिड़कते पा के सानू गया ट्रक लैन तो उन्हें आख्या भी ट्रक तो चला गया मैं तो फटर का भड़ के घल दिता साहब ने आख्या उन्हें आख्या तू बुरा किया ट्रक तो मैं लेके आया अपने जी वास्ते। उतो फिर ये बढ़ गया भी वो एक बंदा वह दोस्त ही सी उन्हें आख्या भी मेरे को तीह बच्चे चढ़ा वो आखे मैं नहीं चढ़ाने मेरे अगे पूरे ने मेरी बस भरी आ वो आखे नहीं वो ना खाश बखाश हो पिया जो खाश बखाश हो गया फिर हूँ फिर वो को जरा साडा प्रौहना से डाढ़ा सी वो को डरते ने फिर सू पियान उस बस में चबाया जिस वे बहा लिया तो वह जरा अपना माई चंदो भी बह गई साड़ी वो दादी सी है जी असं सारे जिस वे बह बू गए पंजे जीए बह गए तो जरा मेरे तो व्डा सी ना उन्होंने जगह जगह उन्होंने बारी च कलिया रहा ये डिग पवे किस तरह। अच्छा वो मेरी भैन जी नजीरा से उन्हें वह सिर इतों फट गया इतों जैसे वो गांह किया बारी में तो उन्हें इतों हाथ पा के गांह के छड़िया बाकी सारा हिस्सा बहर से वो कभी बस ए करे कभी ए करे भी बंदा डिग पवे मुंडा कोशिश करता से। वो जिसे आए अमृतसर अमृतसर उन्होंने बोर्ड बड़े से उत्थे तो उत्थे उन्होंने आण के तो उन्होंने उतार दिता उत्थे सिख अजूम सीगा बहुत सिख बहुत ज़्यादा सी उत्थे जिस वे उतार दिता तो वह एक बोर्ड के बूटे का लग के तो बह गया जिस वे बह गया तो वह अल्लाह ने उन्होंने बचाना सी उहदी नज़र किसी की नहीं उदू पई जिस वे मगरों आता नज़ीर साडा प्रौहना वो पिछे आ रहा सी होर बस के उत्ते उन जिस वे वेख्या तो उन्हें आख्या ये तो बुरा कर गया उन छे ने ब्रेक मारी वो ब्रेक मारी सिख भज के पे वो को ब्रेन गन से उन्होंने तो बीड़ दी। अच्छा इनू हूँ बह फट के तो खिंच के छे ने सुटिया
सुट के देन ओनू फिर उतो निकले जो वाघे तो वाघे तो आए ना तो जोड़ा ट्रक नजीर ने खड़िया से ना पटरा भर के वो वाघ ही खलोता से अगले बन्ने वो जिद असी आए थे वो टायर फट गया वो जोड़ा साडा प्रौहना से हर काम कसबदार से उन्हें आख्या मैं तेरा टायर नहीं मैं तेरी बंदे भी मारने तू तो करना मैं बंदे भी मारने क्योंकि तू मेरे तो जुल्म कर लगा से मुंडा मार के उन्हें आखना नजीर ने मुंडा खड़िया तो साडा मरिया है ये फिर करके तो फिर असी तो फिर लाहौर आ गए जोड़ा साडा माँ बाप से वो एक ताया तो एक ताई तो एक चब मेरा बाप तो एक मेरी माँ तो एक भैन सी मेरी सत्तां साल दी वो इन्हें सफिया सी वो फिर जो बावलदीन मर गया है बटाले का तो उदो फिर ऐलान हो गया भी कुल हम मुसलमान जड़े ने इतों निकल जाए उतों उन्होंने काफिला पहला एक लंघिया तो हमला मान लंघ गया सी दूसरा काफिला जोड़ा सी उस वड फट बहुत हो बहुत ज़्यादा वड फट हुई उतों में जोड़ा तीसरा काफिला से ना वो सत्तां कोहां विच सी जिद साडा माँ बाप से ताया से ताई से सफिया उदे विच फिर उन चक्कर बड़े लाए पर वो साडे उन्होंने लभे नहीं नजीर नू हार के वो नजीर पिछा हट गया भी सत्तां कोहां तो मैं खिल कित्या मैं कित्थों लभां जिस वेले शिकार दे पुल मैरे ते आए ने ते उत्थे बारिश सत्त दिन होई आ अच्छा दिने लो लगनी लोकां दीड़ा टाकी सुकाउणा रात नू फिर मीह पै जाणा सत दिन मेरी हमशीरा ने सत्तां साल दी सी सत दिन उन्हें फाका कटिया फाका कटिया किसी नूं उत्थे इत्थों तक सी कि हुक्किया दा पानी कढ के तो वह भी पीता है जुलम बड़ा सी छपड़ियां लहू भी सी सिरियां भी सी कद लाशा भी पईयां सी क्योंकि जिहड़े विचले काफिले दीआं उत्थे एक मेरे एक जनानी आई तो वो मेरे बाप मेरा बाप भी उत्थे सी तो आंदी है भैणा मेरी कुड़ी फड़ मैं जरा पेशाब कर ला वो कुड़ी फड़ा के जली गई तो वह मगर आवाजा मारे भी तू भैणा कुड़ी ले ला कुड़ी ले ला कुड़ी ले ला वो कुड़ी वाली आई ना मेरा प्यो आंदा भी जे सामभ जाती है सामभ ला जे नहीं सामभ जाती तो किसी वट ना लम्मी पा दे उन जींदी कुड़ी उस लम्मी पाती जिन्हू फड़ा के गई सी मेरा प्यो ना एक मिलट्री का बंदा सी कहिंदा है कि जे तू यार इत्थे जरा का आसरा करें तो मैं दो गुलियां भन के तां बच्ची दे मूँह दा लब गिली कर देआं मेरा प्यो कहिंदा मैं जे इन्नी गल कही है तो उस पैली दा तुख मुड गया इन्नी खिलकत धा के पै गई गुली गुली ने लोगों आई अच्छा जदों नारो जो नारोवाल के पुल ते आए फिर उतो सत्तां दिनों तो बाद फिर जो तुरिया काफिला फिर नारोवाल आया नारोवाल के पुल उत्ते जिस वे आए ने ना तो मेरी वालदा दे कोल है सी को खाने पीने मसला पैसा सी उत्थे उरले बन्ने लुटी जान ते तलाशी करन ते अगले बन्ने बखोरा दे जान पानी मूँह पानी लाउन फतेह हो गई फतेह हो गई लंघ लंघ खैर होगी खैर होगी मेरा बाप आंदा खैर तो पिछले बन्ने तो साडा बेड़ा गर्क होण दिया आ हर शाह लुटन डे ने दरोगे उतों फिर जिस चढ़े ने तो फिर इन्होंने एक पिंड सी उत्थे आए ने तो उत्थे आण के ना तो मस्जिद दे विच मेरा माम ते ताई ते ताया ते मेरी माँ भैण ते प्यो बाप प्यो ते बाप आए ने उत्थे आण के ना ते इन्होंने लागे एक डे हठवां को थोड़ा जिहा पंजां चौं प्यालियां दे लो सी उत्थे गए हुक्का पीने आ उत्थे हुक्का पीण वास्ते मेरा ताया ते मेरा बाप चले गए वो गल्लां करन डे भी यार कांग आ गई है कांग आ गई है कांग आ गई है ये उठ के जिस वेले आए ने ना ये पौड़ियाँ चढ़न डे ने तो पानी अंदर मस चा गया रावी ने हड़ देता वो पानी इन्ना क हो गया कि बंदे दे लख लख चल उत्ते चला गया मस्जिद विच मेरी माँ ते प्यो ते ताई ते ताया ते भैन कंध दे उत्ते ऐसरो करके जिस घोड़े ते पलाकी लगी वो कंध उत्ते रात बैठे कीड़े काड़े पतंगा उत्थे लड़े बुरा हाल मौके दिहाड़े दिन चढ़े आते वो एक खुरली लेके आए बंदे
उन्हें खुरली लिया के दे मेरे माँ बाप ने तो उन्होंने आख्या कुंडे फाड़ लो तो असी ये तुहानू किसे टिब्बे ते लाने उन्होंने फिर ज्यों कुंडे फड़े ने तो फिर पानी दे विच ना ऐने ऐने रहे ने तो फिर सिरियां बाहर सी तो बाकी कद पानी सी उन्होंने एक टिब्बे ते जाके साडे माँ प्यो नू लाया जिस उत्थे लाया तो उतों फिर जिस लाहौर आए ने तो मैं उदों एक जिहड़ा पुल हैगा इहदा मुगलपुरे का उस पुल के उत्ते एक छोले वाला हुंदा सी वेचदा हुंदा सी वह आंदा सी छो लै लो छोले खस्ता ने पोले मैं वो लागे खलोता आया वो मैं दो इन्ने क दाने देता हूँ कहता दाना दाना चबना ही अज तेरा माँ प्यो मैं वेख के आया तो वह तुरया आन दिया आया वो आते भी उन्होंने आखी भी असं आन डे हाँ इस तरह उन्हें मेरे न गल करते रहना उ फिर जिस वे आए ने तो असी माँ भी आई आ प्यो भी आ गया ताया आया ताई आई आ क्योंकि नज़ीर मुगलेपुरे का सी भड़वैया साढ़ा चार नंबर गली चार नंबर मकान वह उत्थे असी जिस वे आ गए हैं तो फिर उतों असी घुमियारपुरा लागे मुगलपुरे के आस पास अच्छा फिर असी उत्थे चले गए हाँ उत्थे गए तो फिर फौज आई आ गड्डी उन्होंने ना बिस्कुटा के पैकेट सुटे आ मैं भी फड़े आ वो आखन लगे भी असी आ गए साडा धोखा किया असी सानू दरियावां तो पार कढ़िया अड़क तो ते हुण असी आ गए हुण खैर आ तुसीं इस गल दा फिकर ना करो असी आ गए हाँ वो ललकरे मारदे अल्लाह अकबर कहिंदे नारे मारदे लंघे ने इधरों गड्डी एक सिखां दी गई आ उन्होंने पुलिस उत्थे ही बैठी सी ते उन्होंने सुटिया ने एडी एडिया गंढा मेरे वेखण दे विच उन्होंने ये काम किया भी गंढा सुटिया थानेदार रफल लैके खड़ा हो गया उन्हें आख्या कोई बंदा गाँव नहीं गंढा हल हो गए मतलब उन्होंने यह सी चुकन पैण गए मुसलमान तो असं उदो बंब को हथियार चला देंगे वो चुकिया ना तो जिस वे गड्डी लंघ गई तो वो थानेदार ने आख्या लिया के गंढा फट के आना लिया तो रद्दी कागजा की रद्दी बधी हुई उस तो बाद फिर एक गड्डी इधरों साड़ी गड्डी उधरों अमृतसर उन्होंने कतल की उधरों इन्हों की गई आ ये फिर घुमियारपुरे तो मुगलपुरे के सन में इन्हें रोकी है मुसलमानों ने उत्थे फिर ये गड्डी जी उन्होंने मेरे होंद कतल हुई है सिखा दी है जी तो एक माई सी अपनी हिंदड़ी भारी जी कद की वो को पित्तल का लोटा सी वो दो मुंडे आए ने वो एक बार चढ़न लगे ने तो वो पिप्पल का लोटा मारिया जे वो इधर चढ़न लगन तो इधर मारे जे इधर चढ़न लगन तो इधरों मारे वे चढ़ ना दे वो एक उधर हो गया एक इधर हो गया वो जिस वे उन्होंने मारन गई ना लोटा तो पिछला चढ़ गया उन्हें चढ़ के तो बिठा ले मेरे वेखन का वक्त आ वो भी उन्हें ऐसा जो बकरा हलाल करीदा ना इस तरह उन्हें हलाल कर एक जड़ा सू गंढ लैके भज गया दूसरा छुरी वो रगा छड़ के आप भज गया मगरों दे गंढ ये लै गया तो मैं ही करना हूँ वो गंढ वास्ते भज गया ये वाकया मैं वेखिया है तो अगर मैं थोड़ा जहाँ पूछा थोड़ा जहा फिर वापस लैके जावा तुम जो तुम हले गुरदासपुर के जो तुम उतों तुम पता चलिया जी कि हम पाकिस्तान वखरा बन गया वखरा मुल्क हो गया मुसलमाना का अपना आजाद मुल्क जिथे तुम इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकते थे इबादत कर सकते थे तो उस तो पहला उत्थे हालात की सन तुहाडे पिंड दे विच तुहाडे इलाके दे विच साडे इलाके दे विच साडे हालात बहुत अच्छे सन अच्छा साडे पिंड विच सिख कोई नहीं सी अच्छा एक घर सिर्फ हिंदू आ गया उस वक्त विच साडू छड़क वाले लोग आंदे सन साडे बूहे दे उत्ते सिर बाजार है सन नहर लंघदी सी दूसरा पासा जो अभी वाड़ी वाला पासा आते स असी अपने जिन्हें बरादर से साढ़े उन्होंने अस बैंक अपना आप रखे सही मेरे बाप का अंगूठा लगता सी ते जीज अपना जीज मौलवी हुंदा सी असैन हुंदे सन साढ़े पिंड पढ़िया कला वो ही सी बाकी कोई नहीं सी ताया असैन सी मेरा आ चवी बैठे ने वो उन्होंने खजानची से साढ़े हालात बहुत अच्छे सन सही
बाकी साढ़े बूहे कोई नहर वगदी साढ़ा खूह जिहड़ा सी उहदे उह वी नाल ही सी नहर दे असीं बड़े सुखी वसदे सां। उस तो बाद फिर ये गल बन गई भी जो रौले पे ने कांग्रेस के तो मुस्लिम लीग के वोट पे ने जो कांग्रेस मुस्लिम लीग के वोट पे ने उद चंकी भली होश चंकी चंकी होश से उन्होंने मिट्टी के प्याले तो मिट्टी के भोरे फतेहगढ़ खड़ के तो हवेलियाँ च वो खाना खा खाना खाना देंदे से लोगों बसा मेरे आई सी उन्होंने खड़ते जिन्हें कांग्रेस को वोट देना वो कांग्रेस की हवेली चला गया जिन्हें मुस्लिम लीग को वोट देना वो मुस्लिम लीग की हवेली चला गया तो नहीं तो खा उधरों लेंदे वोट जिसे मर्जी पा लेंदे सी ਸਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਦਰੇ ਬਾਅਦ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਨਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਵਰਨ ਨੇ ਝੂਠ ਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਗੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 40 ਡੇਰੇ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਭਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਾ ਦਿਓ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਭਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਭਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਤੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਢੱਗਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਕੀ ਬਿਸਤਰੇ ਬਸਤਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹੇ ਪੰਜਾਂ ਚੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਮੇਰੀ ਤਾਏ ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਠੀਕ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਜੋਈਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਪਏ ਤਾਏ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਸੋ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਅਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਬਿੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਲਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਝਾਮਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਝਾਮਕੀ ਆਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਈਦ ਸੀ ਸਹੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਝਾਮਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਮਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨ ਇੱਥੇ ਸੀ ਵੱਡਾ ਅਤਬਾਰ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿਮ ਖਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੁੱਲਵਾਲੀਏ ਰਜਪੂਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮਿਟ ਕਟਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨੇ ਇਤਬਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲਲੇ ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਖਾਂ ਦਾ ਸੁਨਾਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲਲੇ ਆ ਜਾਓ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚਵੀ ਵੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਚਵੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਲੀ ਵਿਹਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਲਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਤਬਾਰ ਖਾਂ ਦਾ ਸੁਨਾਹ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਤਾ ਮਿਲਿਆ ਅਜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 75 ਮਰਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ 5 ਪੈ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਬੀਆ ਦੀ 5 ਹੀ ਸਨ
इस तरह करके आए चलो पांच पहले लभियां हैं आप फिर जीयां भर्ती प्याली देंदे सी उदों लेकिन ते फिर ताले बड़ी मुश्किल हो गई होनी है फिर ताले बड़ी मुश्किल हो गई होनी है बड़ी मुश्किल के जरे बात है पांच पहले ते कुछ भी नहीं हुंदियां नहीं जी पांच पहलियां भी नहीं सी उते हड़ पैंदा सी अच्छा जमीन नु उस नु हड़ पैंदा सी ओदे विच इस तरह भी गई कई बार ऐना ना पानी भी आ जांदा सी ज्वार डुब जांदी सी कपाह डुब जांदी सी मूंजी लभदी नहीं सी उस पानी वो पानी बहुत उत्थे आउंदा सी उन बारिशां बड़ियां हुंदियां सन फिर असी जदों सन 62 आया 61 ते 62 इस्तेमाल होई आ फिर असी इस्तेमाल दे विच ओह जमीन छड्डी आ फिर असी मरबा मर 86 चाड़ के लई आ ते उदों जदों तुसी आए सो पिंड दे विच हां उदों पिंड विच किन्ने कु घर सन उदों ते इस तरह सी भी आ थां भी पए सन खाली खाली अच्छा जाने कोठे भी नहीं सन पिंड दे विच भी नहीं सन जाने कि दुनिया उदों थोड़ी सी भरपूर नहीं सी सही ते हुण ते मरबा मरबा वंदी वध गई बाहर हां जी हां तो पिंड वड्डा हुंदा जाण रिहा हुंदा हूं पिंड उदों वड्डा हुंदा जाण रिहा ना वड्डा बहुता वड्डा हो गया ते छोटा कोटला ते वड्डा कोटला हां इह क्यों वख-वख क्यों ने इह इस करके वख-वख सी कि उह जिहड़ी जमीन सी उधर हां जी उह हटवीं सी हां जी इस पिंड तों पहला पिंड आया सही मेन पिंड है ठीक है ये पिंड पहला है उस तो दूसरा पिंड उन्होंने सिखा ने उधर वो थे जाके झुग्गे पा ले सी अच्छा अच्छा झुग्गे वो सारे 10-15 सी अच्छा अच्छा उधर दे जमीन वाले आ ओदे नाम पे पै गया खुरद निका कोलड़ा सही ते ए रह गया वड्डा कोलड़ा ठीक है इस करके उन्होंने उत्थे पाए सी ते पिंड दी जमीन किन्नी कु वे टोटल 99 मरबे दोवां पिंडां दे मिला के हैं दोवां पिंडां दे मिला के इको ही चक्के आ चक्के की है 43 चक्के लंबरदारी फिर खुस के फिर हदायत सी एक निके पिंड दा ते तुसी पढ़े किथे जे फिर हैं उस तो बाद पढ़े जे कि नहीं पढ़े फिर तलीम हासिल कीती नहीं तलीम नहीं हासिल कीती जदों तुसी आए जो ते वैसे स्कूल वगैरह तो स्कूल है सी 5वीं तक अच्छा हां ते 5वीं तक भी नहीं पढ़े फिर नहीं कम्मा करना च लगे रहे फिर हां कम्मा करना च इस करके लगे सर बस असी जदों उजड़े है ना हां जी उदों उजड़न तो कोई 2-3 महीने पहला मेथों तीसरे था वड्डा सी सदीक ओदे नाम सी तो वह फौत हो गया सी उस वक्त में वह 10वीं पढ़ता सी अच्छा उन्हें जमानिया चाहिए पढ़ता भी इस तरह से पंगाली पढ़ता सी ते पंगाली 10 मास्टर सन सही तो जो सदीक जाता सी तो 10 मास्टर दसदा तो फिर सदीक क्लासे जाते सन वो जाने मास्टर सदीक पढ़ाता सी इन्ना फहम होता सी माशाल्लाह है जी साढ़े पिंड एक फाजिल मलाना सी वो गया वो गंजपुरे रहिंदा सी लाहौर वो गया तो मेरा बाप उन्हूं आंदा भी फाजिल सदीक नूं कुछ वेखी भी कुछ आउंदा भी आ वो आंदा भी उन्हूं कल मेरे कोल साढ़े पिछले बरों का घर सी चाचा आण के आंदा सदीक तेरा फाजिल मलाना आया लाहौरों तो वो आंदा मैनूं मिल जावे आंदा चाचा मैं मिल आउंदा वो पिछे वो चला गया वो गया तो उन्हूं आंदा भी सदीक ओ यार किताब तो फाड़े का बारी तो उन फड़ी फड़ के तो वे वा के खड़ के तो रख दी वो आंदा किताब रख दी वो आंदा चाचा को पढ़ी दे के पढ़ा अच्छा वो आंदा किन्नी दी है अह 11वीं दी है आंदा अच्छा आंदा चार किताबा छड़ के तो 5वीं फड़ हूँ वो फड़ी फड़ के तो वेख के आंदा भी दिल तो नहीं करता चाचा जी मैं सुना देना थोड़ी जी वो पढ़ डे पाया आंदा सदीक किन्वी दी आ आखिर चाचा जी 14वीं दी आ अच्छा आंदा अच्छा वो आंदा अपने बाप नू कहीं मेरी सवेरे गल सुन के बाहर जावे चाचा गया वो आंदा की गल है फाजल आंदा भी जाम मुंडे दा आंजा खा जानी आ जाम मुंडे दा दिमाग हो जाना मुंडा स्कूले ना कली ये हद टप गया आ जे तू स्कूले घलना तो कोई ना कोई कम हो जाना है तो मेरे नाल घला दे
जेड़ी नौकरी है कवे मैं वो इन लै देना, जज बनना कोई भी लैनी है वो मैं इनू लै देना। एक तो वह मर गया, मैनू लौडे बुखार चढ़ता है तो उन्हों अगले दिन चढ़ता है, तो मैनू कहना हुंदा सी बादशाह तो आया स्कूलों तो माँ मेरी आंदा भी की गल आ, वो आँदी है तेरे बादशाह नूं बुखार चढ़ गया। कहिंदा अच्छा मोहलती बुखार सी, पहले एक साथों छोटा सी मनजूर उहदे नां सी, उह 21 दिन पहला मर गया सी, है जी। तो वह मैनू भी बुखार चढ़ गया, उन्होंने भी चढ़ गया, 21 दिन वो कबरे जा पिया तो मेरा बुखार टुट गया। उहदे विच इह सी वी जदों इधर डाड़ निकली इस माथे इस कमरे चो तो मेरा बाप जिहड़ा सी इस तरह बैठा सी, लोग वड्डे भी बाबा बैठे सी, मेरा बाप इत्थे बैठा सी इस तरह डिग्गा, आ जिहड़ी संगली सी बाप मेरे बाप दी खत्म हो गई सी। हैं ये वक्त साढ़े ते आए सन ते मेरा बुखार टुट गया। तुसीं कदी इंडिया गए जो उस तों बाद? हैं कदी इंडिया गए जो उस तों बाद? नहीं। उत्थे कोई यार दोस्त वाकफ घर है ना हले जिन्हां कुछ जानदे होवो? मेरा ख्याल है कि जसूत मन्ना जसूत धर्मा होना। अच्छा। दो सी उस दीक नाल पढ़दे हुंदे सन। अच्छा अच्छा। एक दिन जसू सी एक दिन धर्मा सी, दोनों सिख सन ना हिंदू? हिंदुआ ने। साढ़े पिंड है हिंदू का घर एक ही, चेकी घर सी दोनों एक ही घर, बाकी सारे मुसलमान ही सन। हम्म, बाकी सारे मुसलमान ही सन। मुसलमान ही। तो कोई ऐसी गल जिहड़ी हुण तुसीं आखरी मैं तां सुनना चाहना, फिर चलो दूजे बजुर्गों गल करने हैं, ऐसी गल कि जी तुम अज भी याद आती है तो तुम ज़्यादा दुख हों जी दास्तान सुना दी थी इन्होंने अलावा? ये तो अलावा यह है कि जो चेता होंगे ना कि रात दे बिखे भी, रात दे बिखे भी। हाँ जी। साढ़े खूह के उत्ते ना एक पैली सी, इन्नी घटवी जिन्ने हवेली तो परले बने तक, जाना तीन कदाला थान में सी, अगे नहर सी, उन्हें क्या सानू पैली दे असी पनीरी बीजनी अंबा की नहर त लाने नू। सही। अंग्रेज ने उन साढ़े दादा सी लगता उन पैली दे दिती उन्होंने, उन्होंने पनीरी बीजी अलोकार अंब लिया लिया के बाहरों चंगे चंगे। सही। वो जो पनीरी प्रवश हुई ना तो वह कहिंदा भई दादा साडा भी हम साहब अपनी पनीरी निकाली जाए मेरी कीमत अदा की जाए, उन लिख दिता कि हम दी तुम की कीमत गई हम की पनीरी गई, जाओ। मेरे दादे ने कोठे ते खलो के आवाज़ दी है भी लोगो जिन पनीरी पुटनी पुट लो, साढ़े पिंड कोई पैली खाली नहीं सी जिदे ते अंब नहीं सी। अच्छा। उस पैली दे विच अजे भी ऐस रुख अंब सी, जदों याद आउंदी है ना तो उदों ये सोचीदा भी यार अंबा जब खांदे सा ते सानूं गिटक नहीं लभदी, है जी। यह साडा वक्त सी, है रात नूं बैठे हौके च पानी पाउंदे तां नहरों पा लैंदे सां, गर्मी दे विच छालां मारदे तां नहाउंदे सां। हां जी। है जी। ये फिर यादा आउंदियां ने याद। हाँ, पर सुख दी उदों सुख सी। हाँ। हुण ते तुसीं वेंदे होणे जे मुंडे अज 14 अगस्त आंदा तां बड़ा जशन मनांदे ने। हाँ। तुसीं उन्हां मुंडियां नूं तुसीं की पैगाम दवोगे? अपने नूं अपने? हाँ जी। हाँ। की तुसी आखोगे जो वो जश्न मनाते हैं? हाँ। मोटरसाइकलों से सिलेंसर कट के आवाजा मारते हैं तो नारे मारते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो तुसी तो चूंकि सारी आजादी वेखी अपनी अखी। हाँ। भुगती भी हैगी है, नुकसान भी होए ने बहुत मामला तो जो तुसी दसे ने। हाँ। कोई ऐसे भी अजय सानू नहीं दस सके है लेकिन तुसी वेख चुके जो नज़ारे असी महसूस भी नहीं शायद कर सकते क्योंकि असं वो चीज़ वेखी नहीं, तो तुसी नौजवान नसल नूं की पैगाम दवोगे 14 अगस्त नूं किवें मनाओ? असीं 14 अगस्त नूं इही आ भी इन्हों करने भी खुशी करो कि तुहानू इन्ना क टुकड़ा लभ गया है जी। अगर ये नारू काद आजम ना हों तो इन्ना टुकड़ा भी ना लभदा है, तो सारा हिंदी सी। हाँ जी। क्योंकि साडा ईसाई कोई नहीं सी, सारा मुल्क हिंदू ही सी, है जी। इस करके उन झगड़ा ची किया तो सानू इन्ना क टुकड़ा लभ गया तो साडा इस्लाम बच गया, है जी। असं ये इन्हों आने भी तुम भी उस गल सोचो कि असं अपने आप न गमराही ना लियाइए इस्लाम वास पासे आईए, क्योंकि असी सलाम के मगर उदू जुत्ती खा के आए हैं, नहीं तो कि जी करता से घर भरे छड़न? सही गल। कि जी करता से अपनी जमीन छड़न?
सिर्फ एक कलमे वास्ते। ते तुसी भी उस कलमे का जिक्र करो, अगर उस कलमे की हिफाजत रखो अपने दिल में मुहब्बत आउंदी। बिल्कुल सही कहा। नाज़िम मेरे नाल हुण मौजूद ने बाबा जी अब्दुल रहमान साहब, हुण उन्हां कोलों उन्हां दी दास्तान पुछने आ कि वह किस ना हिंदुस्तान तो पाकिस्तान आए, तो वह वाकयात किन किन होए सन वो सुनावा जी। जी जी सन 47 जिन्हों ज्यादा भैन जी, साढ़े दादी 6 भरा। अच्छा। उत्थे बंदा रख लिया, उन्हें खुली से पंज ईसाइयों कि तेरा काम भी करना, मेन जिन्हों को कम चार दिन पे वो एक साढ़े बाबे नए मारन पट्ठे पा। एक साडा बाबा आंदा कि तुसी फिर जाओ, मैं भी इन्हें लागे रहूँगा। वो आख्या तू चल डंगर छड़ दे, डंगर छड़ दे। साढ़े को डंगर 13 था। अच्छा। जिसने दरिया से लै के आए ना, एक गाय 12वें 13वें सूई सूई सी मेरी संभाल तो पहला सूई, वो गाय बछी नहीं सी, अं दरिया रावी रहना 12 महीने डंगर छड़ दे। ये नहीं भी इस मौसम 12 महीने उत्थे जिसले असं आए हैं तो बच्ची ने पीते उल्दी अगे कल वो है ना, वो शाह मुड़ी वो मुड़ी इधरों इधर आने सड़क ने साढ़े पजा आते पिया पिया जाता, इधरों डंडी आँदी सी इधरों खड़गे। असं सन 47 के जाड़े पे जिस तरह साढ़े पिंड ने भला किया हिंदू मुसलमान रूए जमीन तो नहीं सुन, जिस तरह कुरबानी नहीं कोई एक रहा। उसले असी उतों मुड़िया मैं डंगर के मगर तुरै, तो इस बने खलगे नाल बाप बड़ा तुरै, जवान बड़ा कि इन्ना बंद नहीं लगा। तो मैंने आवाज मार कहता कितने चलिया, मैं साड़िया गाइया मुड़ गई। वो कहता अगले नहीं सुखमा तू कमड़ा रहना, उत जाके मैं दरिया से आ गया। उत्थे जीव इन्ना कटे पिड़छी जरा कि ना कि छंड पै जाता, वो पिड़छी से उठ जा उस पिंड की खरगत थोड़ी जी होंगी है, खरगत सारी बैठी से 7 बंदे मिलटरी जाके पहले दिन वेखे, सानू भी पता है की होंगे उन्हें बंदूक पाइया आके तो आंदे उन्हें ऐलान किया हिंदू मुसलमान वक्रे होंगे लंबड़दार रात पूछी हिंदू। उन्हें आखे कट्ठे जमे कट्ठे मरन करते फैर, कोई शायद बंदा ऐसा गांव शाह हो गया अगर नहीं तो मैं नहीं वेख सकता लिखा। उन्हें अपना टेल लाया, उन्हें गाला कड़ी शुरू कर दी, कहते तेरे भनोइए ने, कहता भनोइए की होए इन्हें इन्हें ना मारी पाज तेरे जवाई नहीं, कहता जवाई की होंगे मतलब हालता गल नहीं कर। उतों फिर दरिया लंघिया पार आए, मैं उतों पत्तन तो मुड़ गया, पत्तन मुड़ गया छिड़के बह जाते इस तरह खूह हों मैं खूह से जाग बह गया। ये तरखान से हिंदू बाप साढ़े जो मुड़े आना ना दिसे, तेनों भी आखिया भी तेरी सफलती है इन्हू मिले सारे कहा।